ओम अक्षस्रगपरशुं गदेशुकुलशं पदबन्धनोष्कुण्डिकां दण्डां शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दनीमिमः लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ये भगवती महालक्ष्मी की प्रार्थना है जो दुर्गा सप्तशती की द्वितीय अध्याय के अंदर यानी द्वितीय चरित्र के अंदर सबसे पहले की गई है। तो नवरात्र में विशेष तौर पर व्रत का महत्व है। जी हाँ, जिसने व्रत नहीं किया उसके नवरात्र कैसे सिद्धि को प्राप्त करेंगे? आपने रखा व्रत। इस देश में जो भी लोग भारतीय संस्कृति को जानते हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं व्रत का महत्व बताया गया है, व्रत पालन। परंतु समस्या यह है कि हमने व्रत को वास्तविक तौर पर समझा ही नहीं। व्रत क्या है? हमने केवल खाने की हड़ताल को व्रत मान लिया। मैं सही बता रहा हूं आपको, खाने की हड़ताल को हमने व्रत मान लिया और कहते हैं कि पूरा हो गया भाई व्रत, हमने तो पूरा कर लिया। खाने की हड़ताल व्रत नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ क्या है? व्रत शब्द क्या है? उपवास। व्रत बना उपवास से। उप दो जब शब्दों से, उप और वास। उप यानी हटाना, वास जहां रहना, यानी जहां हम रहते हैं वास्तविक तौर पर उस जगह से यदि अपने आप को हटा लें तब तो वो हुआ उपवास, तब तो वो वास्तविक तौर पे हुआ। हम क्या करते हैं, हमने व्रत कर लिया केवल कि आज मैं अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा, इसके अलावा सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। आप सोचे क्या विडंबना होती है घर में, आपने देखा होगा बचपन से देखते आए होंगे, जिस दिन व्रत होता है पिताजी का या किसी बड़े व्यक्ति का, किसी का अपने का, या घर में हर तरह के व्यक्ति होते ना, तो एक व्यक्ति ने व्रत रखा हुआ, देखो आज मुझे गुस्सा में दिलवाना मेरा व्रत है। एक बार बड़ी सुनने को मिलती है आपको, आज गुस्सा में दिलवाना व्रत है मेरा। और जिस दिन व्रत होता है उस दिन क्या होता है, खाना नहीं खाते, बाकी तमाम अलाय बलाय चीज सब व्रत की आज की तारीख में तो थाली मिलती है रेस्टोरेंट के अंदर, व्रत थाली है साहब। इसमें व्रत का मतलब कुछ और चल रहा है, व्रत नहीं हो रही, पार्टी हो रही है कि हम पार्टी की तरफ जा रहे हैं। व्रत में क्या हो रहा है कि कुट्टू का आटा बन रहा है और तो और तली हुई सब्जी बन रही है और सात्विक आहार नहीं हुए, वो राजस हो गए साहब। राजस के साथ तामसिक आहार से हटकर राजस आहार की तरफ है, सात्विकता तो फिर ही नहीं, वो व्रत तो कुछ और। और क्या हो, जिस दिन तो हमने और साथ साथ क्या होता है, व्रत के दिन ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पेट को आहार तो मिल नहीं रहा और वो और एग्रीवेट कर रहा है आपको। तो कारण उसको समझे, व्रत कुछ और है। व्रत का मतलब केवल जैसे मैंने कहा उपवास, वास्तविक तौर पे मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आप समझ गए होंगे, समस्त लोग बुद्धिमान है, सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं आज की तारीख में। मैं और समझाने का प्रयास करता हूं, हम लोग केवल यानी उदर पूर्ति के लिए यानी उदर का व्रत करने के उपरांत खाना ना खाने को ही व्रत मान लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूं, समझने का प्रयास करें कि आपके घर में छोटा बच्चा होगा, आपका बेटा होगा आपकी, या आप किसी के बच्चे हैं, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक खाना ना खाएं तो आपके माता पिता या आप जिनके माता पिता हैं आप उनको बार बार जाकर पूछेंगे बेटा खाना खा ले, या आपकी माता जी बार बार आके आए कहीं खाना खाया, खाना खा ले। जब तक आप खाना नहीं खाएंगे, आप प्यार से नहीं खाना नहीं खाएंगे, तब तक उनको शांति पड़ने वाली नहीं है, उनका खून चलता रहेगा आज बेटे ने खाना नहीं खाया, आज सुबह से बेटे ने खाना नहीं खाया। तो मुझे बताइए भगवती कैसे प्रसन्न हो सकती हैं यदि आप सुबह से लेकर शाम तक, वो तप है, तप का एक स्वरूप है, उस तप के एक स्वरूप को आपने केवल व्रत मान लिया है, सत्य मान लिया, वो एक स्वरूप है, परंतु उतना आपको विश्वास हो कि भगवान स्वयं आकर मुझे खाना खिला के जाए, उतना विश्वास आपको होता नहीं। आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे का व्रत को पालन करके अपनी मनोकामना पूर्ति की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, इस विडंबना से या तो इतनी श्रद्धा पालें, इतना विश्वास अंदर रखें कि मैं ये व्रत ये जो पालन करने जा रहा हूं ये तब खोलूंगा जब भगवान आके स्वयं। तो अगर श्रद्धा वास्तविक इतनी है तो हजारों भक्ति इस प्रकार के हुए हैं कि जिनकी ऐसी उत्कंठापूर्ण भगवान ने स्वयं उपस्थित होकर करी है, जिनका हम कात्यायनी भगवती कहते हैं, जितने भी हम रूप करते हैं उन सब की कहीं ना कहीं कथा इस प्रकार जुड़ी हुई है कि भगवान ने स्वयं दर्शन देके भक्ति की मनोकामना पूर्ण करें, वो हमारे सब पता नहीं है। तो हम कोशिश ये करें व्रत के वास्तविक स्वरूप को माने, व्रत मौन व्रत रखें, सत संकल्प लें कि आज मैं ये व्रत रखता हूं नवरात्र में, मैं आज इस नवरात्र के अंदर मोह नहीं पालूंगा, लोभ नहीं करूंगा, ईर्ष्या से अपने आप को हटाऊंगा, तब तो वास्तविक व्रत हुआ, क्रोध नहीं करूंगा, धर्म का वास्तविक पालन हुआ। हम ये नहीं कर रहे हैं तो
कोशिश ये करें हम वास्तविक तौर पर उसको व्रत शारीरिक दृष्टिकोण से, ये बिल्कुल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है, कुछ देर हम खाना जैसे और मशीनरी को विराम देते हैं इसी प्रकार इसको विराम दें। तो सात्विक भोजन का संकल्प लें कि सात्विक भोजन रखेंगे, ये नहीं कि जिस दिन मेरा व्रत है उस दिन बाजार से कुट्टू का आटा आ रहा है, चिप्स आ रहे हैं कि जो बिना नमक वाले सेधा नमक वाले चिप्स हैं वो आप आ रहे हैं, नमकीन वही आ रहा है, आज तो मिठाई भी उस तरह की आ रही है, तो ये व्रत नहीं है। हम कितनी देर पूजा करें, आप कहेंगे कई लोग 9 दिन, बिल्कुल आप श्रद्धा के अनुसार इस प्रकार रखते हैं, कई लोग ऐसा व्रत करते हैं कि हम केवल दूध का ग्रहण करेंगे, चलिए वो भी समझ में आता है, बढ़िया है, ऐसा व्रत ले लें कि दूध केवल 9 दिन तक दूध का सेवन करेंगे या केवल फलहार सेवन करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये नहीं कि आप कुट्टू का आटा, ये सब कहीं भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। आप मुझे बताइए कुट्टू का काटा वास्तविक तौर पर तल के रोटी बन रही है वो कहां से, वो तो राजसी भोजन हो गया, वो तो और ज्यादा आपके उदर को दिक्कत करेगा, पेट को दिक्कत करेगा। आप चाय पीना शुरू कर दिया व्रत के अंदर, अरे चाय तो अपने आप में एक निकोटीन है उसके अंदर, तो कहां से वो, आपको मैं मॉडर्न में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसलिए अपने आप को हटाएं, हम आराधना की तरफ जाएं, भगवान की तरफ जाएं, यानी कोशिश ये करें पूरा समय भगवान का जप करें। आज हम व्यावसायिक तौर पर जिस प्रकार के काम में लगे हुए हैं तो हमें पर टाइम तो होता नहीं है, तो हम कोशिश ये करें, वैसे उस चीज को समझाने के लिए कहा गया है तुलसीदास जी ने, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। तो एक घड़ी जितनी देर आपसे हो सकता है कि जितनी देर आप कर रहे हैं उतनी देर बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का जप करें, ना रुक लें और फिर उसको व्रत को खोले शाम के समय पर, तो बहुत अच्छा रहेगा। सात्विक व्रत का पालन करें, राजसी भोजन ना करें, सादा सादा भोजन यानी फलहार पे रहें सबसे अच्छा रहेगा। मौन व्रत का कुछ देर पालन करें, दूध पे रहें और जल पे रहें, जूसेस पे रह सकते हैं, तो इन सब सात्विक चीजों को आप ग्रहण करते हुए नवरात्रों पर भगवती की आराधना करने के लिए समय निकालें। सबसे मुख्य बात समय निकालने का प्रयास करें, आराधना करने का समय कोई भी एक मंत्र पकड़ लें। सबसे बढ़िया मंत्र मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आचार्य वाणी के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं, जो भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों का बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। इस मंत्र का यथाउचित भाव से नवलक्ष बार यदि जप कर लेते हैं, नवक्षर का मंत्र है, नवलक्ष बार इन नवरात्रों में आप जप कर लेते हैं तो भगवती स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उपस्थित होंगी। इन तरह से व्रत का पालन करते हुए और उसका दशांश यज्ञ करते हुए तो सत्य मानिए आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आशा है आप इन बातों को समझेंगे। मैंने लीक से हटकर आज जो भी लोग आपको व्रत के बारे में डेफिनेशन देते हैं उनसे हटकर आपको एक वास्तविक सत्य से अवगत कराने का प्रयास किया है, और यही इस चैनल की सबसे खास बात है कि हम सात्विक तौर पे भारतीय संस्कृति का, हिंदू धर्म का, सनातन पद्धति का वास्तविक स्वरूप शब्दों के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोशिश ये करें आप भी समझें, और यदि समझ गए हैं तो एक काम छोटा सा कर लीजिएगा, लोगों को बताएं, अवगत कराएं, जिससे और लोग भी समझें। आचार्य वाणी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने मित्रों अपने दोस्तों को, जिससे ये बातें सब लोग जानें, तो ये वास्तविक तौर पर धर्म की भी रक्षा हो और आपका व्रत भी पूरा होगा।